तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना सेटअप विजिट करने वाले हैं। कुछ केज में गाइज मटकियाँ लगाना है, जो कि मैंने इससे पिछले वीडियो में मैं गया था बनारस और वहाँ से कुछ बर्ड्स खरीद के लाया था, फिंची थी, जावा थी, और उनको अभी मटकी देने की बारी आ गई है। और हम अपने पुराने वाले सेटअप में, जो कि ये सामने खड़ा है, और उसमें से हम लोग मटकियाँ निकालेंगे और उस वाले में लगाएंगे। उसी के साथ साथ मैंने एक और केज खरीदा है, मतलब उसमें दो पोर्शन केज है, जो कि दो माले में केज है, और इसको थोड़ा सा बहुत थोड़ा बहुत इस पर रगड़ना है एंड गाइस इसमें पेंट वगैरह लगाना है। और इसका एक बात, इसमें दिक्कत है गाइस, यही थोड़ा सा मैटर करता है कि इसमें ये जो केज है काफ़ी सही है और उस वाले केज से बड़ा ही है, थोड़ा बहुत उस वाले केज से बड़ा है। और इसमें जो जो दरवाज़ा है, ये जिसका भी था उसमें कबूतर पाला था बंदा, और यहाँ पे एक ही दरवाज़ा है दोनों केज का, मतलब अगर इसे हम लोग खोलेंगे तो जितने भी परिंदे होंगे वो उड़ जाएंगे। तो मैं शायद से इसमें क्या करूं कि इसको मैं ऐसे ही बंद करके इसमें ताला लगा दूं और उसके बाद यहां से मैं इसमें जीआई तार से मेड़ के और इसमें एक दरवाज़ा बनाऊंगा। तो ये वाला जो केज है गाइस काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना तो है बट ये लकड़ी क्या है, ये ख़राब नहीं होगा। और इस केज को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है? इस केज को हम लोग यहाँ पर सही करके और यहाँ पर ज़मीन में प्लस्तर शायद से करें और वहाँ पर लगाएँ। और आपको ये बताना कि इसके अंदर मैं क्या रिलीज़ करूँ, ठीक है? आपको बताना है, ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही बोल दे रहा हूँ और आपको मतलब आपको बताना है, आपको आप जो बोलोगे वही मैं करूँगा। और इसमें मैं जावा डालूँ या कौन सी चीज़ लवबट डालूँ या बजीज डालूँ? बजीज तो उसमें डाला था मैंने, बर्बाद हो गया, इसी हिसाब से पूरे के पूरे ख़त्म हो गए। और माइक मेरा उस साइड है, वॉइस जो है थोड़ा सा स्लो आ रही होगी। तो बाकी यही था ये वाला केज एंड गेज। उसी के साथ साथ ये जो है अपना सामने वाला केज, इसके अंदर हम लोग चलेंगे और इसमें मैंने मुर्गी डाल दिए थे, तो मुर्गी जो है काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखो, मेरे को 2 महीने अभी वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये लोग अंडा देने लगेंगे। काफ़ी मुर्गी यहाँ पे 15-16 मुर्गी इसके अंदर मैंने डाल दी थी। बची जितने भी थे वो बढ़ गए, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, तो वो वाली वीडियो आप जाके देख लेना। तो माइक को पहले मैंने इस तरफ करना है, उसके बाद आपको इस वाले केज की जो हालत है उसको दिखाऊंगा। इसमें वायरिंग वायरिंग सब कुछ हो गई है, चलो पहले दिखा। अभी मैंने पूरा सेटअप कर लिया, यहाँ से एक लकड़ी उठा लेते हैं, क्योंकि अंदर ये जो आप दरवाज़ा देख सकते हैं पूरा बिल्कुल अच्छा है अभी, मतलब इसमें कुछ हुआ नहीं। मैं इसमें पेंट भी लगाया था तो सब कुछ सही है, बल्कि ये वाला छोटे जो ये छोटा वाला जो केज था इसके अंदर मैंने ताला मारा हुआ है, इसका कोई काम ही नहीं है जो मुर्गी रह रही है। तो इसमें और अंदर आने के बाद यहाँ पर व्यू देखो कितना शानदार है। अभी भी सब केज, जितने भी मेरे पास 3-4 केज है, सब केजों में से सबसे अच्छा केज गाइस मेरे को यही लगता है। और इसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ, जितने भी बजी थे सब मर गए, अप्रॉक्स 20 पेयर बजीज मर गए थे। और इसमें कैल्शियम ब्लॉक अभी भी लगा है, बट कोई ना गाइस, ये बर्ड्स है इसमें नफ़ा नुकसान लगा रहता है और वो मेरी गलती से ही मरे थे। इसमें धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती, और धूप नहीं आती फिर भी चलता, काफ़ी और भी प्रॉब्लम है इसमें। मैंने जाम वाम कर दिया था इसे उठा के, अगर वहाँ पर ले जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। बाकी यहाँ पर वायरिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने किया था, और अंदर अभी जाले लगे हुए हैं क्योंकि इसमें तो कुछ रहता नहीं है। और उसी के साथ साथ हम लोग जाले वगैरह को साफ़ करेंगे, अंदर भी जाले लगे हुए हैं, और यहाँ से हम लोग 8 मटकी ले चलेंगे, ठीक है? अभी 8 मटकी उस वाले में करेंगे, क्योंकि गाइस अपने को 8 मटकी का काम है। और इसमें जो इस वाले में स्टिक लगी हुई है, जैसे पा रहे होंगे आप, इसमें स्टिक लगी हुई है, इसमें स्टिक नहीं लगी है। तो हम लोग ये इसको छांट के ले जाएंगे, जहाँ पे भी है इसको छांट के ले जाएंगे, बाकी इसको लाइन से यहीं पर छोड़ देंगे। बाकी अब इसका काम जब ख़त्म हो जाएगा, तो उसका जब काम हो जाएगा तो उसमें हम लोग रिलीज़ करेंगे। तो चलो हम लोग एक एक करके अभी मटकी को निकाल लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने साफ़ सफाई कर लिया, और सारा कुछ करने के बाद हर बार की तरह इस बार भी इस ठेले पे मैंने सबको लगा दिया। और इसके अंदर से कुछ ये नेस्ट मटेरियल निकले, जो लकड़ी के छीलन होते हैं ना, तो बस इसके लिए हमने दिया था, तो इसमें इसको निकाल दिया, इसका कोई काम ही नहीं है। तो अभी ये जो है इसको मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, बाकी इसकी साइज़ वगैरह आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। और अभी हम लोग चलेंगे अपने सेटअप पर, जिस पर हमें लगाना है मटकी को। तो गाइस फाइनली मैंने सही सलामत पूरी मटकी को ऊपर लेकर आ गया, और कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे भी है, और बाकी यहाँ पे जो है स्क्रू लगा के मैंने वार्सल को भी अच्छे से लगा दिया, जिसमें जाके मटकी बैठी की, और एक पैर उसमें ग्रेड करते हैं। और ये जो है काफ़ी बड़ा है, लगभग 8 फीट के करीब है। मैं पिछली वीडियो में और कमी बताया, जब मैंने नापा तो बहुत ज़्यादा हो गया, और वहाँ पे एक पैर उसमें उसके अंदर ब्रीड करती है। तो उसको हमने अपने को क्या करना है, उसको पैक कर दूंगा। अभी ठंडी का मौसम है, जाने देते हैं जैसे है वैसे ही रहने देते। और बाकी ये जो है इसके अंदर मैं एक एकड़ के मटकी लगा देता हूँ, और अपने यहाँ पर एक ट्राईपोड को अपने स्टेबल कर देता हूँ। बाकी आपको अभी पूरा दिखेगा मैं मटकी कैसे लगाता हूँ। तो गाइस पहली मटकी हम लोग यहाँ से लगाएंगे, और इसको मैंने अच्छे से सेट करना है। तो एक मटकी लग गई है, और मैंने सारी मटकियों को लगा दिया, और लगाने के बाद यहाँ पे मटकी पे बैठ भी रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है, तुरंत ये लोग जाना आना शुरू कर देंगे जल्दी।
और बाकी सारा काम हो गया यहाँ का, जो भी मटकी लगाना था लगा दिया, यहाँ पे रेड वाला बल्ब एक लगा दिया और एक यहाँ पे बल्ब है, और बाकी उसी के अंदर ढेर सारी जो फिंच है उसके अंदर है, बाकी एक पेयर जावा है। ये लोग 7 पेयर हैं और 7 पेयर हैं, बाकी मैंने लगाया है 8 मटकी, इसलिए ताकि मैं अगली बार जब जाऊँगा मार्केट तो एक पेयर जाता हूँ तो वैसे ही, बट एक दो पेयर ले आता हूँ हर बार, तो एक दो पेयर हम लोग ले आएंगे अपने जावा को, ठीक है। तो तब जाके ये लोग धो पूरा बराबर हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा खासा व्यू आ रहा है गाइस यहाँ पे। और मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी जगह पे बैठा हूँ, जो कि इसकी हाइट जो थोड़ा सा कम है, ये जो आप देख पा रहे होंगे मटकी के कितनी ऊपर है, बाकी आप इसमें देखें, इसमें 2-3 पेयर कितनी मस्त तरीके से बैठी हुई हैं, और काफ़ी गर्म भी होगा यहाँ पे। लाल वाला बल्ब है 100 वाट वाला, तो उसमें उसकी रोशनी जाती हुई काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता होगा, बाकी वहाँ पर देखो एक के बाद एक जा ही रही है। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक के बाद एक सारी मटकियों को लगा दिया, तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको कुछ यही देखने को मिला होगा। सो उम्मीद करूंगा गाइस ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, एंड गाइस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।